घोर ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस ने घोर जातिवाद किया और तमाम लोगों को अपने पाले में खींच ले गए, तो आंख तो सबकी खुल रही है। मुझे लगता है कि बतौर समाज एक तबका ऐसा जागरूक हो रहा है और किसान आंदोलन के बाद उसे हिम्मत और ताकत मिली है। जिस तरह से कोलैप्स करना चाह रहे हैं या किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट केवल एक इंस्टीट्यूशन या एक धर्म पर नहीं जाएगा। जामिया या शाहीन बाग एकमात्र नहीं था। यूपी में हाथरस क्या था और डीयू पर जो हमला होता है, जेएनयू पर हो रहा है, वो क्या है? वो जामिया से अलग है क्या? कि आपकी लाठियों से, मुकदमों से, जेलों से इस देश की आम आवाम, जो जागरूक आवाम है, वो न डरती है और न झुकती है। सांप्रदायिक नफरत की काट जातिगत नफरत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। इस वक्त हम लोग प्रेस क्लब में हैं और प्रेस क्लब में यहाँ पर आज जामिया हिंसा NTCA प्रोटेस्ट के दौरान जामिया में जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई थी उसके खिलाफ यहाँ पर दो साल पूरे होने पर यहाँ पर उसकी बरसी मनाई जा रही है और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। सर, ज़रूरत क्यों पड़ी दो साल बाद भी इस हिंसा के ऐसे बरसी मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हिंसा की बरसी इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि जो हिंसा झेली थी उन लोगों ने, जिन छात्रों पर लाइब्रेरी में घुस करके लाठियां बरसी थीं, गोलियां चलाई गई, उनके आंदोलन को बदनाम किया गया, छात्र, शिक्षक या सामान्य नागरिक, उनकी छवियों को ध्वस्त किया गया, ये कोई सामान्य नहीं था लोकतंत्र में। केवल इसलिए कि आप मुसलमान को आगे करके कुछ भी कर लेंगे, और एक नागरिक बोध जो इस समाज का कहता है कि अगर धर्म के नाम पर किसी के ऊपर सीधे हिंसा हो रही है तो क्या समाज चुप रहेगा? तो ये इम्तिहान पूरे समाज का था, देश का था। इसलिए हम उसे याद करते हैं कि भाई वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। क्या इस इम्तिहान में समाज पास हुआ या फिर? समाज तो अभी भी इम्तिहान चल रहा है समाज का। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत टफ एग्ज़ाम है ये, और समाज तैयारी कितनी किए हुए इसके भी इम्तिहान चल रहा है। मुझे लगता है कि बतौर समाज एक तबका ऐसा जागरूक हो रहा है और किसान आंदोलन के बाद उसे हिम्मत और ताकत मिली है। हम चुनौती मुश्किल है, अभी वह छवि या वह स्वरूप उभर के नहीं आ रहा है कि इस देश की आम आवाम खड़ी होकर के बोले कि आप ये गलत कर रहे हैं। आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से कोलैप्स करना चाह रहे हैं या किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट केवल एक इंस्टीट्यूशन या एक धर्म पर नहीं जाएगा, वो बाकी इंस्टीट्यूशन पर भी हमला होगा, वो बाकी आइडेंटिटीज़ पर भी हमला होगा, और वो हो रहा है। जामिया या शाहीन बाग एकमात्र नहीं था। यूपी में हाथरस क्या था? और डीयू पर जो हमला होता है, जेएनयू पर हो रहा है, वो क्या है? वो जामिया से अलग है क्या? या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के ओवरऑल पूरे एजुकेशन के पैटर्न पर जो हमला है, वो क्या अलग है क्या? रोहित वेमुला के अलग था क्या, जो लाइब्रेरी में घुस करके आप लाठी मार रहे थे? आप प्रकारांतर से प्रोफेसर और वाइस चांसलर फेलोशिप रोक रहे हैं, तमाम काम कर रहे हैं, तो हमला बदस्तूर जारी है। इसलिए आज जैसे दिन की ज़रूरत पड़ रही है, और ये दिन इस निजाम को ये संकेत देने का है कि आपके लाठियों से, मुकदमों से, जेलों से इस देश की आम आवाम, जो जागरूक आवाम है, वो न डरती है और न झुकती है, वो फिर ताकत जुटाएगी और फिर आपके खिलाफ लड़ेगी। क्या इस देश में, जैसा हमने अभी देखा कि JNU में वाई स्कैम हुआ, इसके पहले इलाहाबाद में हुआ, और तमाम इंस्टीट्यूशन में OBC को और दलितों को रिजर्वेशन के नाम पे बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन हम एक चीज़ जो देखते हैं वो क्लियर एकदम साफ देखते हैं कि एक धड़ा है जो सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही और उन पर हिंसा की खबरों को लेकर ही एक्टिव होता है और दलितों और पिछड़ों के मुद्दे पर चुप हो जाता है। लेकिन इसी दौरान ये भी बात चलती है कि इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी की एकता बन रही है मुद्दों को लेकर, लेकिन ये जो धड़ा है ये लगातार एकता को तोड़ रहा है, इसको कैसे आप लोग मैनेज करें? मुझे लग रहा है कि अब एक तो वैसे कोई धड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है कि अगर आप सांप्रदायिकता के सवाल को जाति के सवाल से नहीं जोड़ेंगे, जातिगत भेदभाव या जाति के नाम पर हिंसा के सवाल को सांप्रदायिकता के सवाल से अलग अलगाए रहेंगे, तो आप सफल नहीं होंगे, आप सांप्रदायिकता को नहीं रोक सकते। ये तो विमर्श का मामला है और हमारा विमर्श होता रहा है उन लोगों से। सांप्रदायिक नफरत की काट जातिगत नफरत के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। अगर आप जाति के विमर्श को खड़ा करेंगे तो उनका बड़ा जो हिंदुत्व का गुब्बारा है ना, वो अपने आप फूट जाएगा। मतलब RSS के खिलाफ अभी सबसे बड़ी वैचारिक जो उसको हरा सकती है वो अम्बेडकरवाद? मुझे लगता है अम्बेडकरवाद कहिए, समाजवाद कहिए या सामाजिक न्याय कहिए, मुझे लगता है कि RSS की पूरी वैचारिक के खिलाफ
एक विमर्श के रूप में जो सामाजिक न्याय का विमर्श है वह खड़ा है। सामाजिक न्याय के विमर्श में ही शामिल है सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक न्याय के विमर्श में ही शामिल है लैंगिक सौहार्द और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। ये एक मुकम्मल विचार की है सामाजिक न्याय की। हम शाहीनबाग के साथ खड़े रहेंगे, हम जामिया के साथ खड़े होंगे, हम जेएनयू के साथ खड़े होंगे, हम डीयू के साथ खड़े होंगे, मगर हम हाथरस में भी खड़े होंगे। एक इंटरेस्टिंग सवाल आ गया साहब आपकी बात सुनकर मुझे, क्या संघ का जो नरेटिव है उसकी काट हिंदू बनाम हिंदुत्व में है या हिंदुत्व बनाम सोशल जस्टिस में? मुझे लगता है कि यह एक दिक्कत तलब सवाल है। मैं तो देखिए, मैं पूरे हिंदू फ्रेम पर क्वेश्चन करता हूँ ना, आप हिंदुत्व हो या हिंदुइज्म हो, मुझे लगता है कि दोनों को क्लियर करना होगा कि आप जात व्यवस्था पर क्या सोचते हैं, वर्ण व्यवस्था पर क्या सोचते हैं, सोशल जस्टिस को लेकर के आपके क्या विचार हैं। फूले, अम्बेडकर, पेरियार, बिरसा, अब्दुल कय्यूम अंसारी, गौतम बुद्ध से लेकर के ना अम्बेडकर और लोहिया तक, एक जो वैचारिक परंपरा है ना, ये परंपरा जिस जगह पर है हम उसे अपनी आइडियोलॉजी मानते हैं। अब आप ये हमें जवाब दीजिए कि आपके हिंदुत्व में ये है या हिंदुइज्म में है। मैं तो उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, कबीर किसके यहाँ हैं? फूले, बिरसा, बुद्ध, ज्योतिबा फूले, पेरियार, ये भगत सिंह, ये जिस विचारक जिस वैचारिकी में हैं, मैं कहूँगा वो भारत के वैचारिकी है। अब आपको जवाब देना है कि वो हिंदुइज्म में है कि वो हिंदुत्व में है। मुझे लगता है कि दोनों उससे दूर हैं। तो ये सॉफ्ट और हार्ड का, राहुल गांधी ने दो सिंबल दिया हिंदुत्व और हिंदुइज्म में, हिंदुत्व का सिंबल दिया गोडसे को, हिंदुइज्म का सिंबल दिया महात्मा गांधी को, गोडसे बना महात्मा अंबेडकर नहीं। अंबेडकर कहाँ है, पेरियार कहाँ है, बिरसा कहाँ है? देखिए, एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जब मुश्किल इतनी ज़्यादा है ना, अगर मुझको आप दोनों में से चुनने के लिए ही मजबूर करेंगे कि आप गोडसे के गांधी में से किसको चुनेंगे, तो अगर तीसरा विकल्प नहीं है तब तो मैं गोडसे के साथ तो कभी नहीं जाऊँगा ना। ये मेरी स्पष्ट वैचारिक है, यानी हम गोडसे विरोधी हैं, गोडसे के वैचारिक परंपरा से विरोधी हैं, ये हमारा स्पष्ट है। अब उसके बाद हम कहेंगे गांधी, तो हम वहाँ गांधी के साथ खड़े हैं, लेकिन जब गांधी और अम्बेडकर साथ खड़े होंगे तो हम अम्बेडकर के साथ खड़े हैं, जब गांधी और लोहिया होंगे तो हम लोहिया के साथ खड़े हैं। ये एक 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 दौर है जिसमें आपको एकदम से कहा जाएगा गांधी से नफरत करो, हम कहेंगे गांधी से नफरत करने की जरूरत नहीं, हम गांधी के लूप होल को कहेंगे कि हाँ यहाँ गांधी गलत थे, लेकिन हम गोडसे के साथ तो किसी भी कीमत पर नहीं खड़े होंगे, ये हमारे स्पष्ट विचार के हैं। तो क्या ये विकल्पहीनता क्रिएट हो रही है गांधी बनाम गोडसे विमर्श में अंबेडकर को ना रख के? नहीं, ये एक बौद्धिक चालाकी है, आप जबरदस्ती बाइपोलर बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं, इस बाइनरी को मत क्रिएट करिए। हम कह रहे हैं बाइनरी अगर है भी तो दो वैचारिक बाइनरी। इवन मैं तो गांधी से इस बात के लिए भी सहमत हो जाता हूँ, तो गांधी अंबेडकर की अहमियत समझते भी थे, भले पूना पैक्ट को हम नहीं बोलते हैं, भले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर गांधी के विचार क्या हैं इसको हम जानते हैं, लेकिन अंततः गांधी और अंबेडकर के बीच एक रिश्ता मिलेगा। अंबेडकर ने गांधी की मौत न हो, भूख हड़ताल टूटे, अपने जीवन का सबसे बड़ा समझौता अंबेडकर ने किया, और दूसरी विचार की कि लोगों ने गांधी के शरीर में 3 गोलियां मारी, तो गांधी की हत्या करने वाले नहीं, हम गांधी का जीवन बचाने वाले विचार के साथ खड़े हैं, और वो थे अंबेडकर। पूना पैक्ट कर लिया लेकिन गांधी को बचाने के लिए, और बाद में कहे भी कि हमने अपने समाज के साथ सबसे बड़ा दगा कर दिया, आज तक उसका खामियाजा अनुभव रहा है। तो बाइपोलर बाइनरी अगर क्रिएट भी करनी है तो करिए वैचारिकी में सामाजिक न्याय वर्सेस सांस्कृतिक संगठन आरएसएस, हम सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं आरएसएस के साथ, अगर ये वैचारिकी बनाएंगे तो हाँ गांधी जितने हमारे हिस्से के गांधी हम उनके साथ खड़े होंगे। मतलब आरएसएस के खिलाफ और उसके फासिज्म वाली आइडियोलॉजी के खिलाफ जो लोग भी लड़ना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ आज दौर ऐसा है ना कि आप केवल गांधी से कैसे लड़ पाएंगे। हम गोडसे बनाम गांधी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम गांधी के साथ खड़े हैं, लेकिन गोडसे तो खारिज है, वो हमारे विमर्श में कहीं नहीं, वो ऐसा भारत न बना है न बनने देंगे, एक तो ये स्पष्ट है, उसकी बाइनरी क्रिएट ही मत करिए। अब हल्ले दे करके गांधी के साथ अगर खड़ा करना, अंबेडकर, फूले, पेरियार को खड़ा करें, भगत सिंह को खड़ा करें, गांधी और भगत सिंह के विमर्श में हम भगत सिंह के साथ खड़े हैं, गांधी और लोहिया के विमर्श में हम लोहिया के साथ खड़े हैं, गांधी अंबेडकर के विमर्श में हम अंबेडकर के साथ खड़े हैं, यही हमारा स्पष्ट विचार की है। लेकिन हम गांधी को हत्या करने वालों के साथ कभी नहीं खड़े होंगे,
ये स्पष्ट हमारा क्या यूनिटी बनती दिख रही है अब? निसंदेह अगर निसंदेहता बढ़ रही है, निसंदेह वैचारिकी बदल रही है, तमाम कम्युनिस्ट लोगों को भी समझ में आ रहा है कि जात के विमर्श को हमने हाशिए पर रख करके नुकसान किया है, तमाम गांधीवादियों को भी समझ में आ रहा है कि जाति के विमर्श को हाशिए पर रख करके हमने भारत का नुकसान किया, और घोर ब्राह्मणवादी संगठन आरएसएस ने घोर जातिवाद किया और तमाम लोगों को अपने पाले में खींच ले गए। तो आँख तो सबकी खुल रही है, जिसके नहीं खुल रही है उसे सजग होना। उत्तर प्रदेश, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव क्या सपा कांग्रेस बसपा के लिए हो रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है कि भाजपा हारेगी या नहीं हारेगी, और उस समय आप अगर पक्ष नहीं चुन रहे हैं, आप भाजपा के खिलाफ नहीं खड़े हैं तो आप भाजपा के साथ खड़े हैं, ये बात तो आज भी बोली गई ना। यही ऐसे इम्तिहान है, तो बदल रहा है, बदलाव आ रहा है, लोग समझ रहे हैं। जो नहीं समझेगा वह भी इस गुनाह में शरीक है, वो राष्ट्र विरोधी है। जो भाजपा के स्पष्ट तौर पर अगर आप भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नहीं है तो आप उनके साथ खड़े हैं, ये कहना पड़ेगा। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ थे, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, फेमस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, इनकी बातें पूरे दुनिया में सुनी जाती है, दुनिया के लिए बहुत मायने रखती है, और इस वैचारिकी पर जो SC ST OBC माइनॉरिटी को एक करने की बात हो रही है, क्या उसके लिए जो वैचारिक स्तर पर जो चीज़ें होनी चाहिए उस पर इन्होंने अपना विचार रखा? आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं अनमोल प्रीतम, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।